आज हम बनाएंगे बेसन का चीला। छोटी मोटी भूख हो या सुबह या शाम का नाश्ता हो, ऐसे में आप इसे झटपट बना के खा सकते हैं। इसे बनाने में 5 से 7 मिनट का समय लगता है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप बेसन ले लिया है। बेसन को हम एक बोल में डालेंगे। अब हम इसमें घिसा हुआ अदरक और लहसुन डाल देंगे, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बना के तैयार करेंगे। बैटर बहुत ज़्यादा पतला या गाढ़ा नहीं होना चाहिए, हमें इसका नॉर्मल बना के तैयार करना है। अच्छी तरीके से मिला लें, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। पहले मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला है और ये देख सकते हैं लम्स बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, पानी आप अपने हिसाब से डालें। अच्छी तरीके से मिला लेंगे। बैटर हमारा बनके तैयार हो गया है, ये देख सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। फटाफट से हम चीला बना लेते हैं। चीला बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे, आप इसे लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं। अब हम ऐसे बैटर को कलछी से उठाएँगे और इसे ऐसे डालते जाएंगे और कलछी से अच्छी तरीके से फैला देंगे, जैसे हम डोसा फैलाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से फैला दें। एक तरफ से अच्छी तरीके से सिक जाने देंगे और ये देख सकते हैं एक साइड से अच्छे से सिक गया, काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गया। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे दोनों तरफ से सेक के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे ऐसे फोल्ड कर रही हूँ ताकि अंदर से ये थोड़ा सा नरम रहे और ऊपर से क्रिस्पी रहे, तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसे किसी सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या टोमेटो सॉस या हरी धनिया की पत्ती की चटनी के साथ, किसी के साथ भी, सबके साथ ये परफेक्ट जाता है। एक चीला हमारा बनके तैयार हो गया है, फटाफट से हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सभी चीला को बना के तैयार कर लेंगे। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। बैटर को ऐसे डालेंगे और इसे मैंने ऐसे पैन में फैला दिया। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, अगर कलछी से नहीं फैलाना चाहते हैं तो ऐसे ही फैला दें, और कलछी से भी फैला सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। अब हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ये हमारा दूसरा चीला भी बनके तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।